Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं अपने बच्चों के मामले च कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करांगी। जे तुसी मेरे ते मेरे बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते ना, तो मैं इस बच्चे नु इस घर च पैदा ही नहीं करांगी। पुत्र, मैं क्या सी ना कि एक दिन एहो जी सिचुएशन जरूर आएगी। हुण की करेगा पुत्र? इस तरह का घर का बंटवारा हो जाएगा जो राज में कदे भी नहीं सी जम। मम्मी जी ने फिर दूजियां दे तंदूर ते अपनियां रोटियां सिकनियां शुरू कर दित्तियां। मैं जानती सी कि एक दिन मेरे पुत्तर ते उना दियां वोटियां, उना दे मन विच इह सवाल जरूर आएगा कि सारी प्रॉपर्टी न्यान दे नाम क्यों है। ते ओदे खिलाफ आवाज भी चुकणगे। पर पुत्तर, मैं इस उम्र च अपने बच्चों तो दूर नहीं रहना चाहती। अपने पोते पोतियां नूं अपनी गोद च खिडाउणा चाहनी आ। नीलम, पास कर, ये सब गल्लां दा कोई फायदा नहीं। तू देख नहीं रही, ये गल्लां नाल रिश्तियां विच दरार आ रही है। मैं अपने बच्चों के मामले च कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करांगी। जे तुसी मेरे ते मेरे बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते ना, तो मैं इस बच्चे नूं इस घर च पैदा ही नहीं करांगी। नीलम, तू की कह रही है? तेरे बच्चे इसे घर दे विच पैदा होंगे ते साडे सारे दे विच ही पलणगे, वड्डे होंगे, तो इत्थों किते नहीं जाएंगे। तेरे ही गल वसीयत थी, तो मैं फैसला कर चुकी हूं। मन्निया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस वसीयत नूं सारे दे विच बराबर वंडा। इसलिए हूँ मैं ये ऐलान कर दी कि इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे, नीलम दे ते किट्टी जी दे होन वाले बच्चों दे विच बराबर दी वंडी जाऊगी। हुण इस घर की प्रॉपर्टी उत्ते इस घर की अगली पीढ़ी का हक होएगा। नकुल और सहदेव का हिस्सा तो मेरा हिस्सा ही है। नीलम, मेरी गल सुन। नीलम, वैसे नीलम लालची है ये तो मैनू पता है, पर लालची होने के चलाक भी है। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।